मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। टेक आउट योर साइंस बुक्स। पिछले लेक्चर में हमने इस बुक को रीड किया था, इस लेसन को और एक्सप्लेन भी किया था। हमने पढ़ा था अबाउट एनिमल्स, कि एनिमल्स बहुत तरह के मौजूद हैं, उनके शेप्स और साइजेस भी क्या हैं, डिफरेंट हैं। कुछ एनिमल्स ज़मीन में रहते हैं, कुछ पानी में और कुछ हवा में फ्लाई करते हैं। ठीक है, एनिमल्स जो कि ठंडे इलाकों में रहते हैं, उनकी बॉडीज़ पे फर मौजूद है जो उनकी बॉडी को गर्म रखती है। कुछ एनिमल्स फ्लाई कर सकते हैं, उनके अल्लाह ताला ने क्या बनाए हैं, विंग्स। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, उनको अल्लाह ताला ने क्या दिए हैं, फिन्स। और फ्रॉग और डक की खास बात यह है कि ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी। सो इनके फीट कैसे बनाए हैं, वेब्ड फीट, जो कि इनको स्विम करने में मदद देते हैं। अगला आ जाता है कैमल। कैमल के पास क्या है, ख़ास हम्प होता है जिसके ज़रिए वो अपना खाना और वाटर जो है वो उसके अंदर जमा कर सकता है। एनिमल्स के टीथ, जो कि घास खाते हैं, उनके टीथ इतने शार्प नहीं होते, लेकिन जो दूसरे एनिमल्स का गोश्त खाते हैं, उनके टीथ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प। एलिफेंट की खास बात क्या है कि उसका ट्रंक है जिसके ज़रिए वो लीव्स को तोड़ता है। ठीक है, क्रेन की खास बात क्या है कि इसकी बीक यानी चोंच लंबी होती है जिसके ज़रिए फिशेस को पकड़ सकता है। कुछ एनिमल्स की बॉडी इतनी स्ट्रक्चर, उनके बॉडी पार्ट्स ऐसे बनाए जाते हैं जो कि उनको दुश्मनों से बचाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईल को अगर आप हाथ लगाएं तो आपको क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक। इसकी आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। सो राइट डेट एंड डे ऑन द न्यू पेज 23/7/2020, क्लास वर्क एंड थर्सडे, एंड द पेज नंबर इज 32। ठीक है, हाउ डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प द एनिमल्स। अल्लाह ताला ने एनिमल्स को कुछ खास चीज़ें दी हैं जिसकी वजह से वो, उन्होंने कहा है कि बताएं कि ये इनको कैसे हेल्प करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर ऑन द बॉडी। अगर किसी एनिमल की बॉडी पे फर है, जैसे रैबिट है, बियर है, तो इसका क्या काम है, इसका काम है कि ये इन्हें ठंड से बचाती है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कोल्ड, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कोल्ड यानी ठंड से बचाती है। द हम्प ऑफ अ कैमल। कैमल की खास बात क्या है कि वो ऐसे जगह पर रहता है जहाँ पानी और खाने पीने की बहुत कमी होती है। तो अल्लाह ताला ने इसको क्या दिया है, हम्प, जिसके अंदर वो क्या जमा कर सकता है, स्टोर फूड एंड वाटर, और कई दिनों तक खाने के बगैर रह सकता है। शार्प टीथ। एनिमल्स को शार्प टीथ क्यों दिया है, शार्प मीन्स तेज, ताकि वो दूसरे एनिमल्स का क्या खा सकें, गोश्त, टू ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। फिन्स। फिन्स किसको दिए हुए, फिशेस को जो पानी में रहते हैं। ठीक है, फिन्स उन्हें हेल्प करते हैं स्विमिंग में यानी तैरने में। वेब फीड ऑफ अ फ्रॉग। फ्रॉग के क्या है, वेब फीड यानी जाले, जिस तरह वेब होते हैं ना, जाला वैसे दिए हुए हैं। ये क्यों है, क्योंकि उस जब वो फ्रॉग पानी में स्विम करे, ताकि उसको स्विम करने में मदद दें। द लॉन्ग नेक ऑफ अ जिराफ। ओके, जिराफ की द लॉन्ग नेक ऑफ अ जिराफ यानी जिराफ की जो लंबी गर्दन है, वो उसे हेल्प करती है कि जो ऊंचे दरख्त होते हैं उनको तोड़ कर उनके पत्तों को खा सके। हेल्प टू ईट लीव्स ऑफ टॉल प्लांट्स। एलिफेंट की ट्रंक। एलिफेंट की ट्रंक खास बात यह है कि वो पत्तों को तोड़कर उसे अपने मुंह में डालता है। सो हेल्प टू ब्रेक लीव्स, पत्तों को तोड़ने में मदद देते हैं। द थिंक कवरिंग ऑफ अ टर्टॉइज। जो हमने पढ़ा था कि टर्टॉइज की क्या है कि उसकी कवरिंग यानी जो उसकी शेल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ये इसको क्या करता है, इसको मदद देता है, प्रोटेक्ट मीन्स बचाता है इट फ्रॉम एनिमीज। एनिमीज मीन्स दुश्मनों से बचाता है। द हॉर्न्स ऑफ अ काऊ। काऊ के जो सींग होते हैं, जैसे डियर के ये सींग हैं, ये हॉर्न्स हैं, इनकी क्या खास बात है, ये अपने आप को बचाने के लिए, यूज टू प्रोटेक्ट देम, अपने आप को बचाने के लिए ये अपने पहले क्या करते हैं, सींग आगे करते हैं। आपने देखा हो कभी आप, वो अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, सींग, अपने हॉर्न्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, आपका होमवर्क है, पुट अ टिक फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स, लाजमी ऊपर डेट एंड डे लगाएं। बर्ड्स हैव लाइट बॉडीज, क्या बर्ड्स की बॉडीज लाइट होती हैं। फ्रॉग लिव्स इन वाटर लाइक फिश, क्या फ्रॉग भी पानी में रहते हैं जैसा कि फिशेस। द इलेक्ट्रिक ईल कैन बी इजीली कॉट, क्या इलेक्ट्रिक ईल को आसानी से पकड़ा जा सकता है। ओके, इफ़ अ टर्टॉइज सीज डेंजर इट हाइड्स इनसाइड द शेल। जब टर्टॉइज कोई भी खतरा देखता है तो वो अपने आप को किस में छुपा लेता है, शेल में।